आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संग्राम सिंह के बेटे पर FIR दर्ज हुई है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। बलिया के थाना प्रभारी ने शिकायत की है, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने शिकायत की थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संग्राम सिंह के बेटे पर FIR दर्ज की गई है। संग्राम सिंह के जो बेटे हैं, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उनके ऊपर लगा है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने शिकायत की थी। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में कार पार्किंग को लेकर बहस हुई थी और उस बहस के बाद ये कार्रवाई की गई है विधायक जी के बेटे पर। सपा विधायक है संग्राम सिंह यादव, जब वो वहां पहुंचे तो उसके बाद कई बातें उनकी ओर से कही गई और अब FIR दर्ज उनके बेटे के खिलाफ हो गई है। वही मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील के शाहपुर गांव में एक संत सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। डिप्टी सीएम ने कहा केजरीवाल का हर बयान पॉलिटिकल स्टंट होता है। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस पर भी वार किया। साथ ही मेरठ में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले पर कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आएगा तो चुनाव आने पर वो हनुमान चालीसा भी याद कर लेते हैं, भले ही गलत क्यों ना याद करें, और चुनाव के बाद वो हनुमान जी से लेकर और देवी देवताओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आते। जनता जानती है कि उनका हर बयान पॉलिटिकल स्टंट होता है जो सत्यता से दूर होता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।